विशिष्ट गुजरातियों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे नरहरि भाई परीख की। अब ये भी एक विडंबना है कि 1957 में चल बसे नरहरि भाई का आज कैसे परिचय दिया जाए, ये सोचना पड़ रहा है। नरहरि भाई गांधी जी के साथी थे और गांधी जी के कई सारे साथी ऐसे हुए जिन्होंने कभी सत्ता का स्वीकार नहीं किया, सत्ता के प्रति रुख नहीं किया, न कभी इसकी अपेक्षा रखी, सिर्फ और सिर्फ सेवा में अपना जीवन लगा दिया। तो नरहरि भाई भी ऐसे ही एक साथी थे। 1940 में गांधी जी ने अपनी जो वसीयत बनाई थी, उस वक्त गांधी जी मलिकंदा में थे जो कि अब बांग्लादेश में है, तो उस वसीयत के एग्जीक्यूटर के तौर पर उन्होंने महादेव देसाई और नरहरि परीख, ये दो नाम लिखे थे। इस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांधी जी नरहरि भाई के बारे में क्या सोचते थे। गुजरात विद्यापीठ की गांधी जी ने जब स्थापना की तो उसके रजिस्ट्रार के तौर पर भी नरहरि भाई की नियुक्ति की गई थी। महादेव भाई की ही तरह नरहरि भाई भी LLB हुए थे, वकील हुए थे, और महादेव भाई के तो बड़े ही अच्छे, बड़े ही करीबी दोस्त थे। महादेव भाई और नरहरि भाई की तो जोड़ी ही थी, ऐसा कह सकते हैं। दोनों मित्र साहित्य में बहुत गहरी रुचि रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ किताबों का उन्होंने गुजराती में अनुवाद भी किया साथ मिलकर। पहले महादेव भाई उनकी पत्नी दुर्गा बहन के साथ गांधी जी के साथ उनके आश्रम में जुड़े, और उनके बाद नरहरि भाई परीख भी उनकी पत्नी मणि बहन के साथ आश्रमवासी बन गए। आश्रम में नरहरि भाई पढ़ाने का काम, शिक्षक का काम करते थे। आगे जाकर वर्धा आश्रम में भी वो ऐसे ही एक जो स्कूल था इसके प्रिंसिपाल बने थे। ये सब करते हुए उन्होंने 1923 में बारडोली के नज़दीक सरभौन नामक एक गांव है, वहाँ आश्रमशाला की भी स्थापना की। और बारडोली सत्याग्रह जब हुआ 1928 में, तो नरहरि भाई भी वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ सक्रिय थे। नरहरि भाई का एक बहुत बड़ा काम गांधी जी के शिक्षा के बारे में जो ख्याल थे उनका अमल करना और उनको व्यवहार में उतारना, ये रहा। और वो बड़ी निष्ठा से ये काम आजीवन करते रहे। नरहरि भाई ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी, जैसे कि सरदार पटेल का जीवन चरित्र। सरदार का सबसे पहला फुल लेंथ जीवन चरित्र जो है गुजराती में नरहरि भाई ने दो भाग में लिखा। इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ तब तो सरदार पटेल भी जीवित थे। उनके परम मित्र महादेव भाई का पूर्व चरित्र भी महादेव भाई की मृत्यु के बाद नरहरि भाई ने लिखा। इतना ही नहीं, महादेव भाई की डायरी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और जिसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसके पहले पांच भाग का संपादन नरहरि भाई ने किया था। मानव अर्थशास्त्र और कुटुंब अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर भी उन्होंने किताब लिखी। उनका एक बहुत ही बड़ा काम और गुजराती साहित्य में मैं तो कहूँगा कि एक बहुत चिरंजीव प्रदान जो रहा, वो तोल्स्तोय की एक किताब का गुजराती अनुवाद। तोल्स्तोय की एक किताब जिसका अंग्रेजी है व्हाट देन मस्ट वी डू, इसका नरहरि भाई ने और पांडुरंग वड़ा में, जो कि रंग अवधूत के नाम से बाद में जाने गए, ये दोनों ने मिलकर गुजराती में त्यारे करीशूं शूं, इतना बेहतरीन और इतना बढ़िया अनुवाद किया है कि मूल किताब का जो पंच है, उसकी जो चोट है, वो पाठक के दिलो दिमाग को झकझोर के रख देती है। उनके दो संतान पुत्री वनमाला बहन और पुत्र मोहन भाई थे। वनमाला बहन ने डॉक्टर सुशीला नायर के साथ मिलकर कस्तूरबा का जीवन चरित्र लिखा था, और भी कुछ किताबें लिखी। देश की और गांधी जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले नरहरि भाई को कोई याद करे ना करे, कम से कम हमें तो याद करना चाहिए।